राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के तत्वाधान में आद्य पत्रकार देव ऋषि नारद जयंती स्मृति समारोह के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में राष्ट्रवाद और पत्रकारिता विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा एवं मुख्य अतिथि हितेश शंकर ने राष्ट्रवाद और पत्रकारिता के बीच के भेद को बताया। इस अवसर पर राष्ट्रवाद और पत्रकारिता विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि पांच जन के संपादक हितेश शंकर, विशिष्ट अतिथि रक्षा अध्ययन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा व अध्यक्ष श्रीमती विनोद सोलंकी और नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व महापौर सत्या पांडे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा सहित संघ से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। से फोटो करा लीजिए। हाँ, बधाई बधाई। इधर देखिए, इधर, अरे इधर देखिए मिस्टर भैया। अरे कुछ ही दिन पहले जो चुनाव परिणामों की घोषणा हुई थी, उसके बाद ये दोनों शब्द जो इस आज के संगोष्ठी के विषय से जुड़ते हैं, उन दोनों की चर्चा करें। बहुत सारे लोग जिसमें विदेशी मीडिया का कुछ हिस्सा भी शामिल, इस धारणा पर कायम है कि ये चुनाव काम पर नहीं जीता गया, किसी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पर नहीं जीता गया, बल्कि पुलवामा और बालाकोट जैसी घटनाओं और उसके जरिए उत्पन्न किए गए राष्ट्रवाद की अपील के मुद्दे जीता गया। जो अभी तक इन परिणामों को स्वीकार नहीं कर पा रहे,
इकट्ठा करता है और प्रत्येक चरण का एग्जिट पोल अपने तरीके से करता है और सारे एग्जिट पोल बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों से कुछ भी ज्यादा नहीं मिलने वाला है और जो परिणामों की घोषणा के बाद इस चिंता में डूब जाता है वो जाता है कि इस 150 में से 200 अतिरिक्त कहां से वैसे संक्षेपण करना चाहूंगा राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं
कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि राष्ट्र का कोई वादा नहीं हो सकता। सुशील जी ने कहा कि पश्चिम का जो राष्ट्र है वो राजनीतिक है, वो राजनीतिक कैसे हम पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ते हैं कि एक भूखंड चाहिए, एक भूगोल चाहिए, एक ज्योग्राफी तय होनी चाहिए, एक शासन व्यवस्था क्या होगी ये तय होना चाहिए और एक जनसंख्या, इन कारणों से राष्ट्र बनता है। मगर मैं कहता हूँ कि क्या सिर्फ इन कारणों से राष्ट्र बन सकता है? जन का जमीन के साथ, जन का उस तंत्र के साथ यदि जुड़ाव ना हो तो राष्ट्र नहीं बन सकता। सोवियत संघ से लेकर दुनिया में ऐसे इतने देश मिलेंगे कि एक रुपए का पॉलिटिकल मैप बदल जाता 20-25 साल में, परंतु राष्ट्र खड़े रहते हैं। राष्ट्र इसलिए खड़े रहते हैं कि ताज बदले, रात बदले, मगर जो मिजाज है वो ना बदले, उसका मिजाज नहीं रहता है। बाकी सब तो आई गई चीजें, वो संस्कृति ऐसे चलती है साथ में। दूसरा राष्ट्रवाद शब्द से आपत्ति का एक कारण और है कि जहां वाद होता है वहां प्रतिवाद भी होता है। इज्म में हमेशा गुंजाइश रहती है, काउंटर करते हैं। तो वाद होगा, प्रतिवाद होगा, विवाद भी होगा, परंतु राष्ट्र इन सबसे परे की चीज है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पुरखे हैं, ये हमारी रीत है। ये कानून में नहीं लिखा तब भी ये हमारे रक्त मज्जा में है और ये है, इसलिए हम इसका पालन करते हैं। इस बात को कोई विवाद नहीं है, इसलिए जहां विवाद नहीं है वहां राष्ट्र भाव तो हो सकता है, बात नहीं होता। मैं ऐसा बात कहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आया। एक अंतिम की तरफ एक संकेत आए हैं, परंतु मैं आपको कहूंगा कि एक बात, दुनिया में हम जहां भी जाते हैं हम बड़े गर्व से कह सकते हैं इस देश में हमारे साथ एक बड़ी अच्छी विशिष्टता है, वो पत्रकारिता से है। दुनिया में आपको ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जिसके इतने सारे महापुरुष पत्रकार हैं। लाला लाजपत राय की बात थी, डॉक्टर गंडीवार में भी एक पत्रकार था, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी। इस देश की आजादी की लड़ाई, अभी आप कहेंगे कि अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1947 में भारत बना, तो 1857 में उन्होंने बन के जाते थे, झांसी की रानी क्या कर रहे हैं? अगर ये देश नहीं था तो इसको मुक्त कराने का जो तड़प थी वो इतनी तीखी क्यों थी? इस देश में पत्रकारिता रहती रही है, परंतु उसका मूल स्वर हमेशा इस राष्ट्र चेतना को जगाने का, लोगों को इसे एकात्म करने का और इसके लिए प्रेम बढ़ाने का ही रहा है। आपने अंग्रेजी पत्रकारिता की बात की, मगर टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले तो देश में पहला 1730 के आसपास की बात, पता कि आपने फिल्मों में जैसा दिखाया था
खलनायक नारायण नारायण करते हुए आता और मेरे छवि बनाएगा नारद जी कैसे ही क्या पत्रकारिता से कैसे जुड़ते इस पर भी कुछ लोग सवाल उठा मुझे कुछ चीजें ध्यान आ 3G 4G का हम स्पीड की बात करते हैं चैनल सारे चलाते सबसे तेज मगर जो मन की गति से चलते थे तो मन की गति से तेज को कभी आज कुछ कोई नहीं संवाद के लिए गति का महत्व और गति प्राप्त करना इसके प्रति कहना आज पत्रकार अपनी अपनी भीड़ कवर करते हैं जो बसपा कवर करता है वो कवर करते करते बसपा जैसी बात बोलने लगता है प्रवक्ता क्या हो सकता है प्रति देगा सपा जो कवर कर रहा है वो सपा जैसी बात कर रहा है उसे नेता जी की भी आवश्यकता नहीं है जो भाजपा या कांग्रेस कवर कर रहे हैं वो इतने अच्छे से कर रहे हैं कि प्रवक्ता को ट्यूशन दे सकते हैं परंतु नारद जी के समय आप देखिए वो देवों को भी कवर कर रहे हैं दानवों को भी कवर कर रहे हैं और उनकी जो खरी बातें हैं चुपने वाली बातें वो आज तक बता भी दे रहे हैं क्योंकि वहां से थोड़ा चटपटा मन लगेगा थोड़ी मिर्ची लगेगी मगर बात आगे निकलेगी ये विमर्श निकालने का काम अलग अलग गीत को पूरी ईमानदारी से थामने का काम इसके प्रति भी नारद जी दूसरा तीसरी बात जो लोग आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ाने के कहते हैं
में जागरूक कराया था, सरकार को ठीक करना है। आपसे जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है खबर वही है। 76 के बाद आप एक खास आक्रोश देखते हैं, विदेशी पत्र पत्रिकाएं सस्ते अच्छे छपे हुए रूसी साहित्य का एक प्रचलन बढ़ा हुआ देखते हैं, थोड़ा अंतर होता है। हम बार बार एक कह
फिर भी रह जाता है, इत्यादि की बात ही रह जाती है। तो इस आदत को जरा जम के ठीक करना पड़ेगा। और ये खाली पत्रकारिता के मुद्दे की बात नहीं है, मगर जो समाज, जो ये टू वे कम्युनिकेशन है, उसमें ये समाज, जब तक ये समाज रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि आपने ये खबर लिखी कैसे, इस खबर के तथ्य ये है, झूठ बोलोगे तो अखबार और चैनल नहीं चलेंगे, वेबसाइट नहीं चलेगी, जब तक ये समाज अपना इंटरेक्शन नहीं बढ़ाएगा, थोड़ा दखल नहीं बढ़ाएगा, थोड़ा उसके लिए डिटरेंट यानी प्रतिरोधकता का काम नहीं करेगा, तब तक ये बात ठीक होती नहीं रहती। कुछ खबरों की बात मैं तथ्य के साथ करता हूँ, प्रयास करना, ये ज्यादा बड़ी चुनौती हो गई। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है, माना अगर लाल सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार। तो पत्रकारिता यही संकल्प लेकर यदि आगे चलेगी तो मुझे लगता है कि नारद जी का जो त्वरा भाव, संवाद की शुद्धता का भाव, गति का भाव, समाज से न्याय का भाव, वो भी कर पाएगी। और इस देश की पत्रकारिता का जो राष्ट्रप्रेम का डीएनए है, उसके मुताबिक अपना चाल चरित्र और चेहरा ठीक रख पाएगी, ये भी लगता है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा आग्रह मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, और चाहूंगा कि हम में से लोग हाथ उठा के बताएं कि गोरखपुर के लोग गीता प्रेस गोरखपुर को कलुषित करने वाले षड्यंत्र के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं, ये मुझे हाथ उठा के बताएं। सोशल मीडिया पर कीजिए, बाकी सब कीजिए, सारे तथ्य आपके पास हैं। इस बारे में अगर रिपोर्ट चाहिए तो मैं हर्ष जी से साझा करूंगा, आप सबको हर्ष जी से यहाँ पर वो रिपोर्ट मिल जाएगी। इसी के साथ एक सत्य की लड़ाई में आप सबको साझा करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान करते हुए मैं पूरी बात करता हूँ अपनी, और साथ ही ये कहता हूँ कि आज 100 करोड़ के चैनल से बड़ा 4000 रुपये का मोबाइल हो गया है, तो मंच पर इधर मैं हूँ या उधर आप रहे, संस्कार बना रहे। इस एंड्रॉइड ने शक्ति बहुत बढ़ा दी है, इस मीडिया की शक्ति तकनीक तर्क और तुलना ने बहुत बढ़ा दी है, उसी तर्क तकनीक और तुलना को अपने काम में लाते हुए और इस मीडिया की खबर लेते हुए थोड़ा सा पत्रकारिता का हम सब भी निभाएंगे, अपने भीतर के थोड़े थोड़े नारद को जगाएंगे, ये अगर आज कर पाए तो मुझे लगता है। धन्यवाद।